बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है एम्प्लॉयज़ के, तो ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले एक सिंपल डेटाबेस बना हुआ है, इसमें जो हम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज के, तो जो स्टार्टिंग या ज्वाइनिंग होती है उनका रिकॉर्ड है, फिर नेम, फिर एनआईसी, फिर किस डिपार्टमेंट में उनको हायर किया गया है। अब उसके अलावा जो हम एंट्री कर रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि सीनियरिटी लिस्ट को मेंटेन करें। जिनकी जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर एक्सपीरियंस के अंदर सबसे ऊपर होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक अरेंज होता रहे, यानी जो भी डेटा एंट्री करते रहे या अपडेट होता रहे। वरना ये काम तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, हेडिंग के ऊपर कर्सर लिया है, सॉर्ट में जाएं A to Z, तो ये मेंटेन हो जाएगी। लेकिन ये एक दफ़ा के लिए, अगर बाद में आप मज़ीद डेटा एंट्री करेंगे, इसमें डेट ऐड होंगी, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड को मज़ीद आगे ऐड करेंगे, तो ये ऑटो अरेंज नहीं होता। जो भी ऑप्शन यूज़ होते हैं वो बार बार आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। Ctrl Z कर लेता हूँ, या मैं यहाँ से बैक क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है जी, नॉर्मल हो गया रिकॉर्ड। तो फार्मूले से अगर हम ये अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हम बाद में भी एंट्री करेंगे, जो रेंज हमने डिफाइन की हुई है, तो वो सीनियरिटी में टॉप में आ जाएगा, अगर किसी की पुरानी कोई रिकॉर्ड की हम एंट्री करते हैं तो। ठीक है जी, तो ये किस तरह से होगा ये सब आज किस क्लास के अंदर देखेंगे। और लास्ट कॉलम एक एक्सपीरियंस का, मैंने ये जो बाकी हेडिंग्स आ रही है, नेम, NIC डिपार्ट, वो ये वही है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैंने लास्ट में ऐड किया एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस में यानी कितने ईयर हो चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए यहाँ पे जैसे प्रमोशन वगैरह करनी है, तो उस लिहाज से हम इसको चेक करते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हम फार्मूला लगाएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर लगेगा स्मॉल। अब यहाँ पर डेट के हिसाब से हमें सीनियरिटी अरेंज करनी है, अरेंज करना है रिकॉर्ड, तो हम एरे के अंदर क्या करेंगे, ऑल, यहाँ जो हेडिंग आ रही है फर्स्ट डेट एंट्री की, A2 मेरे पास का सेल एड्रेस, आपका जो डेटा होगा जिसके अंदर आपने रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है वो सेल क्लिक करेंगे। ऑल के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब मेरे पास अभी 17 रिकॉर्ड है, लेकिन भी मुझे एंटायर करना है ताकि बाद में भी कोई एंट्री हो तो यहाँ पे अरेंज हो जाए। तो और मैंने एक दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट डाउन करा, एंड तक यहाँ 10 लाख रो होती हैं, वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा ये। F4 कर देंगे इसको, फिर कॉमा। अब इसमें स्मॉल में यानी जो सबसे कम डेट आ रही है वो हमें 1 चाहिए, तो हम इसको 1 कर देंगे। लेकिन मसला यहाँ पर जब ड्रैग करेंगे 2, 3, 4 स्क्वायर सीक्वेंस वाइज जो है ये हमें निकालनी है, डेट अरेंज करनी है, तो यहाँ 1, 2, 3 हर सेल में थोड़ी जाके हम अलग अलग लिखते रहेंगे, या तो फिर हम एक अलग कॉलम बनाएं 1, 2, 3, उसको सेल सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करें तो फिर सही होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं ऑटो इसी फार्मूले से कुछ ऐसा कर लें कि इसी से ही ड्रैग करके हमें आंसर मिल जाए, अरेंज हो जाए, तो स्मॉल को हम 1 ना बताना पड़े। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रॉस। रॉस फंक्शन में जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं उसका सेल एड्रेस दिखाएगा, उठाएगा यहाँ से F2, सही है जी, और इसके शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करेंगे F2 से, F2 के सेल एड्रेस रेंज, और यहाँ से इस वाले F2 को हम कर देंगे एब्सोल्यूट। तो ये हमें रिटर्न यहाँ से जो फर्स्ट रॉ नंबर हम चेक कर रहे हैं अब 1 हो जाएगी, फिर नीचे करेंगे तो F2 फिर नीचे बढ़ेगा, तो 2 फिर नीचे 3, इस तरह से ये फार्मूला वर्क करेगा। इसको अलग से भी एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ स्मॉल के साथ जो 1, 2, 3 था उसकी जगह रॉस फार्मूला यूज़ किया हमने, और रॉस ब्रैकेट क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अगर ये डेट फॉर्मेट में ना आए, इस तरह नंबर में शो हो रहा हो, तो Ctrl Shift 3। ऐसा से कम जो है वो 8 जनवरी का रिकॉर्ड है। ठीक है जी, ड्रैग कर लेते हैं इसको। अभी एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो एरर आ जाएगा, तो इसको हम इफ एरर से हाइड रख सकते हैं, ताकि जहाँ तक एंट्री मिल रही है वहाँ तक रिकॉर्ड है, वरना तो एरर शो ना हो। तो इसके लिए आप इफ एरर और यहाँ पे एंड में क्लिक, जहाँ रोज और स्मॉल का ब्रैकेट के यूज हुआ है, कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, यानी अगर इससे एक्स्ट्रा में एरर मिल रहा है तो वहाँ पर ब्लैंक हो जाए। आप ड्रैग कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, जहाँ तक आपकी एंट्री हो सकती है वहाँ तक आप इसको फिक्स कर लें। अब इसको रिकॉर्ड मिलेगा मेन डेटाबेस से तो यहाँ आंसर आएगा, वरना तो फार्मूला लगा हुआ ब्लैंक रहेगा रिकॉर्ड। अब जैसे 8 जनवरी का सबसे कम रिकॉर्ड है, अगर मैं यहाँ पे 8 जनवरी से भी पहले का कोई रिकॉर्ड इंटर कर लेता हूँ, तो वहाँ पर फिर हमारे पास चेंज हो जाएगा। जैसे ये 2016 मैंने 1 जैन 2015 का रिकॉर्ड इंटर कर दिया किसी एम्प्लॉयज़ का, मेरे पास मिस हुआ होता, जैसे ही हमने देखें एंट्री करी तो यहाँ ऑटोमेटिक
फर्स्ट पे आ गया वो। ठीक है जी, तो इस तरह अगर बाद में भी आप एंट्री करते हैं, यहाँ पर अगर कोई, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रेंज डिफाइन करी हुई है, तो वो आपकी यहाँ पर एंट्री ऐड हो जाएगी। जैसे अब मैं मिसाल के तौर पे 2017 का कोई रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, 3 मार्च। ठीक है जी, सबसे एंड का है तो ये सबसे एंड में ही आ रहा है। इसके रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह आप टाइप कर सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। इस तरह से इसको क्लियर कर लेते हैं, तो ये तो मसला हल हो गया हमारा। ठीक है जी, अब डेटा उठाने के लिए, इसके लिए हम इंडेक्स लगाएंगे, और इंडेक्स में एरे जो है नेम चाहिए, तो नाम का जो कॉलम आ रहा है ऑल, इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे इसको, और फिर कॉमा लगाएंगे, मैच, इसको मैच करना है। इसको हम कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि हम डाउन पे इसको आगे राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो कॉलम एब्सोल्यूट रहे। फिर कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे में डेट का जो कॉलम आ रहा है ऑल, ये लुकअप एरे, और इसको भी F4 कर देंगे, कॉमा 0, एग्जिट मैच ब्रैकेट की लूज, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे कॉलम्स, और जिस सेल में फार्मूला लगा रहे हैं उसका सेल एड्रेस चाहिए हमें, तो हेडिंग क्लिक करेंगे, उसका सेल एड्रेस G1, और फिर डाउन एरो से उस सेल पे आ जाएंगे जिसमें फार्मूला लग रहा है G2 से, शिफ्ट के साथ कॉलन G2। तो फर्स्ट वाला जो आ रहा है सेल, इसको F4 कर देंगे, और इसको हम रॉ वाइज फिक्स, ये कॉलम फंक्शन हो गया। यहाँ पर कॉलम्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर जो इंडेक्स का कॉलम ब्रैकेट था वो यहाँ पर क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं आंसर। ठीक है जी, जो फर्स्ट चैन का रिकॉर्ड है वो अहमद का आ रहा है, इसके अंदर बिल्कुल सही है, ये आ गया हमारे पास। राइट और डाउन साइड फिल करके चेक कर लेते हैं इसको। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ, इसको क्लियर कर देते हैं। इसके अंदर जो सिलेक्शन हमने बताई है वो फर्स्ट बी कॉलम इंटायर सिलेक्ट किया, बी कॉलम से सिलेक्ट नहीं होगा, ऑल इंटायर सिलेक्ट होगा, एम्प्लॉय नेम से जितना रिकॉर्ड आप बना रहे हैं वहाँ तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक चला जाएगा ये सिलेक्शन बनेगी फर्स्ट इंडेक्स में, और फिर F4 कर देंगे इसको। ठीक है जी, बाकी फार्मूला इसी तरह से रहेगा। अब इंटर और ड्रैग करके चेक कर लेते हैं। राइट, अच्छा, अब एक्सपीरियंस एरर, एक्स्ट्रा कॉलम में एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एरर आ रहा है। एक्सपीरियंस हमें डायरेक्ट अदर अलग फार्मूला लगाना है एक्सपीरियंस चेक करने के लिए। बाकी हमारा रिकॉर्ड जो ड्रैग होगा वो डिपार्टमेंट तक होगा, और इसको डाउन भी ड्रैग कर लेते हैं नीचे। एरर अगर शो होता है तो इफ़ एरर लगा लेंगे। ठीक है जी, इसको हम इफ एरर में ले लेते हैं। अगर इस सब की जगह एरर है तो फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट। ठीक है जी, और कंट्रोल आर राइट और कंट्रोल डी डाउन, और एक्स्ट्रा ड्रैग करना आप कर सकते हैं जहाँ डाटा मिलेगा शो होगा, वरना तो ब्लैंक हो जाएगा। अब यहाँ एक्सपीरियंस के हवाले से चाहिए रिकॉर्ड हमें, और करंट सिस्टम डेट के हिसाब से एक्सपीरियंस चेक करना है, जैसे प्रमोशन वगैरह दी जा रही है तो उस वक्त रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, कितना एक्सपीरियंस हो गया, सीनियरिटी किसकी ज़्यादा है उस हिसाब से। तो फिर हम यहाँ पर ईयर एक्सपीरियंस देखने के लिए डेटेड इफ फंक्शन लगा सकते हैं, सिलेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ब्रैकेट ओपन करना है पहले, फिर सेल क्लिक करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और करंट सिस्टम डेट से हम एक्सपीरियंस चाहिए उनका, तो करंट सिस्टम डेट उठाने के लिए एक्सेल के सेल में या कैलकुलेशन के लिए टुडे फार्मूला लगाते हैं, जो यहाँ पर आपके सिस्टम में नीचे सेट हुई हुई होगी डेट कंप्यूटर की, तो वो आप यहाँ पर टुडे से कॉल करते हैं सेल में। तो हमने कहा आज की डेट से कैलकुलेट करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कैलकुलेट करना है हमें, ईयर, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। तो ये 6 ईयर हो चुके हैं ज्वाइनिंग किए हुए, इनको ड्रैग करके चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, उस हिसाब से उनके ईयर लिखे हुए आ जाएंगे हमारे पास। ट्रैक, और इसको सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब जिसका एक्सपीरियंस 6 से ज़्यादा है
वो हाईलाइट करना है, तो इसको हम इक्वल से जाएंगे टू, और फाइव से जो ग्रेटर देना है, फाइव से जो ग्रेटर देना है उनको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से हम ग्रेटर वाला यूज़ कर लेते हैं। आपको लेस देन करना है, बिटवीन करना है, आपकी मर्जी है। मुझे ग्रेटर देन फाइव वाले हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, उसको ग्रीन कर दिया। ठीक है जी, अभी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खुद ब खुद काम कर रही हैं। यहाँ से मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, और जो भी एंट्री आप करेंगे उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट होकर आ जाएगा रिकॉर्ड, और सीनियरिटी लिस्ट में भी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें उसको, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके वाले से क्यूरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, प्रैक्टिस करें इसकी। अल्लाह हाफिज़।